Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आनंद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर आनंद। और आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जी हां, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या सिर्फ एक गिलास दूध से आपको गायनोकेमिस्ट्रिया हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग हमारा जो मेन चैनल है वहाँ से अपना ये ट्रीटमेंट लेते हैं रेगुलर बेसिस पे गायनोकेमिस्ट्रिया की। और उसके बाद फिर मैंने ये सर्च किया कि बहुत सारे पेशेंट जो है सिर्फ गायनोकेमिस्ट्रिया के आ रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो आ रहे हैं, डेली 5-10-15 ऐसे करके रेगुलर आते रह रहे हैं। तो आखिर इसका क्या कारण है कि प्रेजेंट टाइम में गायनोकेमिस्ट्रिया की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है? क्योंकि ये बीमारी आज से 10 साल पहले 15 साल पहले आप बोल सकते बहुत ही अनकॉमन थी, बट एट प्रेजेंट आज के समय में मोर देन 70-80% लोग गायनोकेमिस्ट्रिया से सफर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं और ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी में इफेक्ट कर रही है, या हमारी बॉडी में जो मेल्स की बॉडी है जो जिसको बोलते हैं कि मर्दों की जो शरीर है उस पर गायनोकेमिस्ट्रिया, मैन बूब्स जिसको बोलते हैं, उसकी परेशानी को जन्म दे रही है, उसको परेशानी को पैदा कर रही है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सिर्फ एक ग्लास दूध से आपको गायनोकेमिस्ट्रिया हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे जाइए, वहां पर एक आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, आपको उसे टैप करना है। इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसके बगल में एक बेल आइकॉन आएगा, घंटी का आइकॉन आएगा, उसे दबा दीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपके पास हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गायनोकेमिस्ट्रिया को सिर्फ एक ग्लास दूध से कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा गायनोकेमिस्ट्रिया के ऊपर कि गायनोकेमिस्ट्रिया होती क्या है। तो जैसा कि उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे मेन चैनल पे गायनोकेमिस्ट्रिया की वीडियो देखी होगी जहां पर मैंने बताया था कि गायनोकेमिस्ट्रिया एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, यानी कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में दोनों टाइप यानी कि फीमेल और मेल दोनों टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं। अब फीमेल में कौन से हार्मोन्स होते हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि फीमेल्स में हमें ईस्ट्रोजन हार्मोन देखने को मिलता है। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन करता क्या है फीमेल में, वहां पर वो डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटी को डेवलप करता है या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो वॉइस होती है फीमेल्स की वो पतली हो जाती है, जो ब्रेस्ट हो जाते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है यानी कि जो हमारे बॉडी में जो फीमेल्स की बॉडी होती है उनके ओवरी में जब एस्ट्रोजन बनते हैं और उसके बाद उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, तो ये होता है एस्ट्रोजन का काम। वहीं मेल्स में काम होता है अगर देखें हार्मोन के नाम पे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मेल्स के लिए, जो कि मेल के सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं उनको बढ़ाता है, जैसे कि आवाज भारी हो जाना, दाढ़ी मूंछ निकालना, फीमेल के मुकाबले मेल की कदकाठी थोड़ी ज्यादा हो जाना, और भी बहुत सारे जैसे कि बॉडी में जो सेकेंडरी हेयर्स आते हैं, चाहे वो चेस्ट पे हो, चाहे वो आपके फेस पे हो, या आप बोल सकते हैं कि जो बॉडी की जिसको बोलते हैं कदकाठी, वो भी जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। तो यहाँ पर अगर हम गायनोकेमिस्ट्रिया की हम बात करें तो गायनोकेमिस्ट्रिया के केस में यहाँ पर उलट जाता है, जैसे कि जो मेल्स में होते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल उनके मुकाबले एस्ट्रोजन लेवल का जो हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में या किसी भी मान लीजिए हम एस्ट्रोजन ट्रांसफर कर देते हैं मेल्स की बॉडी में, तो वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि फीमेल्स में डेवलप होते हैं वो मेल्स में आ जाएंगे, जैसे कि आपकी वॉइस थोड़ी पतली हो जाएगी, चेस्ट थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे यानी कि मैन बूब्स होने के खतरे बढ़ जाएंगे, और इस तरह के क्योंकि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आ नहीं सकती, तो यहाँ पर जो हमारे बूब्स होते हैं चेस्ट होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और गायनोकेमिस्ट्रिया हो जाता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब आप बात करेंगे कि आखिर क्यों सिर्फ मिल्क से ही क्यों, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टडी की हुई है गायनोकेमिस्ट्रिया के ऊपर, तो मैंने देखा है कि मोर देन 80% लोग 70-80% आप बोल सकते हैं जो लोग होते हैं जो एडल्ट हैं उनमें गायनोकेमिस्ट्रिया देखने को मिलता है। नॉर्मल बोलूं तो जब हम 17-18 साल के होते हैं, जब हम प्यूबर्टी की एज में आते हैं जहां पर हमारे हार्मोन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं,
वहां पर हम अगर किसी पेशेंट को या किसी बच्चे को मैन बूब्स की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स के पास जाता है और सभी डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये नॉर्मल है क्योंकि अभी हार्मोन्स के अभी डेवलपमेंट हो रही है तो यहाँ पर कोई भी मेडिसिन देना सही नहीं होता, तो वो वेट करते हैं। बट आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो मेल्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो एडल्ट हो चुके हैं प्यूबर्टी केज से निकल के, वो नॉर्मल हो जाते हैं, फ्लैट वगैरह चेस्ट वगैरह उनकी फ्लैट हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि हार्मोन लेवल अब स्टेबल कर चुका है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ चुका है। बट जब किसी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो वहां पर आपको गायनोकोमास्टिया देखने को मिलेगा। अब ऐसा होता क्यों है, मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। हम अगर 10 साल 15 साल पहले जाएं तो ऐसा कोई भी फूड नहीं था या ऐसा हमारा कोई परिचय नहीं है पिछली पीढ़ियों में जिनको मैन रूप्स की प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेचुरल फूड खाते थे। बट आज हम अननेचुरल फूड खाते हैं, हम मैकडोनाल्ड जाते हैं, पिज्जा हट जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, वहां पर जंक फूड्स खाते हैं। सबसे पहले इससे तो हमारे जो मैन बूब्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, या आप बोल सकते हैं पूरी बॉडी ही बढ़ जाती है, हमारा वेट गेन हो जाता है, इसके कारण भी होता है। वो चेस्ट फैट होता है, वो गायनोकोमास्टिया नहीं होता। बट अगर ये गायनोकोमास्टिया है तो कहीं ना कहीं हार्मोनल लेवल जो है डिफर करेगा और इसका पता चलेगा। हम जब हम टेस्टोस्टेरोन लेवल काउंट कराते हैं, टेस्ट कराते हैं पैथोलॉजी में जाके, तब हमें वहां पता लगता है। अगर हम अपने खाने की बात करें तो हम अपने खानों में खासतौर से वेज, अपने जो लोग वेजिटेरियन है वो अपने खाने में मिल्क को लेते हैं, यानी कि दूध को लेते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो दूध बिल्कुल नेचुरल तरीके से निकलता था, चाहे वो गाय से हो, भैंस से हो, किसी से भी हो। बट आफ्टर सम टाइम, जैसा आप इसमें देख रहे हैं, मार्केटिंग का दौर है, हर कंपनी चाहती है कि उसका दूध ज्यादा बिके, दूध ज्यादा प्रोड्यूस हो। अगर मोहल्ले मोहल्ले की बात करूं तो आप देखेंगे बहुत सारे डेयरियां फॉर्म खुल चुकी हैं और वो भी चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो। इसके लिए वो करते क्या है, वो करते हैं गाय भैंसों में इंजेक्शन लगाते हैं हार्मोनल लेवल का, यानी कि इस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगाते हैं। बहुत सारे इंजेक्शन मार्केट में आते हैं, जिनके पास गाय भैंस पली होगी वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं मेरी इस बात को कि लगातार, अब क्योंकि जो गाय होती है वो मिल्क प्रोड्यूस कैसे करती है, तो सबसे पहले उसका प्रेग्नेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट प्रेगनेंसी गाय या भैंस जो भी मान लीजिए वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले उसे प्रेग्नेंट कराने के लिए उसकी बॉडी में जो हमारा इस्ट्रोजन लेवल है उसको बढ़ाना होता है। तो वहां पर रेगुलर बेसिस पे लगातार हम हार्मोन लेवल के इंजेक्शन लगाते रहते हैं जिससे कि वो प्रेग्नेंट होती है, जिससे कि मिल्क प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन होता है, मिल्क बनता है या मिल्क निकलता है वो बहुत ज्यादा निकलता है। तो कहीं ना कहीं कि थोड़ी बहुत मात्रा में मिल्क के साथ गाय का जो इस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो भी हमारे पास आता रहता है। अगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो रिसर्च में पाया गया है कि मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, स्तनधारी प्राणी उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगा, स्तनधारी प्राणी वो जिनमें आप बोल सकते हैं दूध की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि हम मैमलरी ग्लैंड बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, हम में भी मैमलरी ग्लैंड पाया जाता है। बट अगर पूरे वर्ल्ड में आप देखें तो सिर्फ दो ही ऐसे जंतु बोलूंगा मैं, या दो ही ऐसे जीवित प्राणी हैं, जीवित जातियां हैं जो कि मिल्क के साथ हार्मोन्स ट्रांसफर नहीं करती। सबसे पहले हैं हम यानी कि ह्यूमंस, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं वो अपने मिल्क के साथ बच्चों में फीमेल हार्मोन का ट्रांसफर नहीं करती, और दूसरी होती है गोट यानी कि बकरी। और जितने भी जानवर होते हैं, चाहे वो गाय हो या भैंस हो या ऊंट हो, जितने भी जानवर होते हैं वो अपने मिल्क के साथ साथ अपने जो हार्मोन्स होते हैं खासतौर से फीमेल हार्मोन्स वो भी ट्रांसफर करते जाते हैं। अब आप बताइए कि अगर हम किसी गाय को या भैंस को लगातार हार्मोन इंजेक्शन दे रहे हैं, चाहे वो फार्म कंपनीज की हो या डेयरी वाले हो या कंपनीज वाले हो, तो उससे क्या होगा कि गाय के साथ यानी कि जो गाय का मिल्क होता है उसके साथ साथ बहुत सारा हार्मोन्स हमारी बॉडी में आएगा, और जब हमारी बॉडी में हार्मोनल लेवल इंक्रीज हो जाएगा इस्ट्रोजन का, तो हमें मेन बूब्स यानी कि जो मेल को बूब्स हो जाते हैं यानी कि गायनोकोमास्टिया हो जाता है, ऐसी समस्या से जूझना पड़ता है। अब रही बात कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप दूध या मिल्क को बंद कर दीजिए, या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए। बट मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि यहाँ पर आप कोशिश करें कि जो भी आप दूध ले रहे हो, जो भी आप मिल्क ले रहे हो, वो नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ हो या नेचुरल प्रोसेस से निकला हो। जो गाय या जो भैंस का आप दूध पी रहे हैं वो नेचुरल तरीके से निकाला गया हो, किसी भी तरीके का इंजेक्शन वगैरह ना दिया गया हो। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस बात का अपोज भी करेंगे,
बट आप सोचिए, क्या आज से 10 साल पहले 15 साल पहले ऐसे कोई लोग आप जानते हैं, आपके घर में दादा हैं, चाचा हैं, जो भी लोग हैं या आपके फादर हैं, क्या उनको मेल बूब्स की प्रॉब्लम हुई है? नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो उस जमाने में मिल्क का यूज करते थे, उस जमाने में मिल्क लेते थे जिस समय इतना ज्यादा आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। आज के समय आप देखेंगे तो मार्केट में 15 कंपनियां हैं, 20 कंपनियां ऐसी होंगी जो मिल्क दे रही हैं, कोई 1 रुपये सस्ता, कोई 2 रुपये महंगा, इस टाइप से एक होड़ लगी हुई है कि कौन जीतेगा। और जीतने की बात आप बोलेंगे तो आप सभी सभी जो समझ सकते हैं कि जिसका ज्यादा मिल्क रहेगा, जिसके पास ज्यादा दूध रहेगा, वो ज्यादा बिजनेस कर पाएगा। इसी बिजनेस के मॉडल पे कंपनियां ये ध्यान नहीं दे रही हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो एडल्ट हो रहे हैं मेल उनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। सेम यही कंडीशन फीमेल्स के अंदर भी होती है, बट फीमेल्स में दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी, इसको हम अगले किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मेरा बताने का मतलब यही था कि जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं, कोशिश करिए कि आप उसको एक कैलकुलेशन में रख के खाइए। चाहे वो आप जंक फूड खा रहे हो या आप मिल्क ले रहे हो, तो भी आप देखिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हर आदमी का जो शेड्यूल है वो इतना हैक्टिक हो चुका है, इतना बिजी हो चुका है कि सामने वाला अपने आप को ही टाइम नहीं दे रहा, अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं दे रहा, ना ही फिट रहने के लिए टाइम दे पा रहा है, ना एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है। बट अगर आप इस चीज से सफर कर रहे हैं या अगर आप जानते हैं इस बात को और चाहते हैं कि आपकी नेक्स्ट पीढ़ी में या आपके बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम ना आ पाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको सलाह दूंगा एज ए डॉक्टर कि आप कोशिश करिए कि आपके घर में जो मिल्क आ रहा है, जो दूध आ रहा है, वो नेचुरल प्रोसेस से ही आए, अननेचुरल प्रोसेस या कोई इंजेक्शन लगा हुआ दूध ना आए, ताकि इससे आपकी जो जनरेशन है, इससे आपकी जो फैमिली है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एज ए जनरल सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी लोगों के लिए, क्योंकि हर फैमिली में मिल्क यानी कि दूध का कंजम्पशन होता है, लोग मिल्क लेते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि प्लीज़ जो मिल्क की क्वालिटी है उसको मेंटेन करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आपका किसी भी तरह की कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।